वेलकम एवरीवन टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। ओके बेटा, आज क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, अभी तक मैंने आपको ना लास्ट टू जो असाइनमेंट्स थे पीडीएफ भेजी थी, ठीक है, जिसमें कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब सब क्वेश्चंस का मर्ज किया हुआ था, ठीक है। तो उसी में से मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादा टिपिकल हैं, ठीक है, तो आपको करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो दैट उसी के लिए ही मैं कुछ क्वेश्चन को जो सॉल्व कराऊंगा आपको, तो मैं उसी की आज वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कुछ वो टिपिकल क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बिल्कुल ही थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, जो पहले उस तरह के एज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन नेवर सॉल्व, ठीक है, अभी तक नहीं किया हमने, ठीक। तो आज आप वो सीखोगे। ओके, तो उसी में है बेटा, पहले मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एफ इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन If f is a function satisfying f x plus y equal to f x, ये condition, ठीक है बेटा, and if f 1 is equal to 3, okay, such that summation from x to 1 fx equal to 120, okay, ये हमें given है बेटा यहाँ। Then find the value of n, ठीक है। देखिए बेटा, ये जो एफ एक्स है इस तरह से लिखा है कि अगर एक्स प्लस वाई लिखा जाए तो वो प्रोडक्ट में आ जाए। ये केवल तभी पॉसिबल होता है जब बेस सेम हो, कि बेस सेम हो तो अगर वो प्रोडक्ट में होंगे तो पावर ऐड हो जाती है, क्लियर। तो हमें पता लग रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ओके, अब एफ एक्स अगर इतना है तो एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? देखो, ए की पावर एक्स प्लस वाई, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई हो रहा है ना सेटिस्फाई, ठीक। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ समेशन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एन एफ एक्स, इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं एफ 1 एफ 2 एंड सो ऑन एफ एन तक, देख सकते हो आप कितने के बराबर बेटा, 1 2 0। ओके, एफ 1 From equation 1, we have f1, मतलब a की पावर 1 बराबर 3, means a बराबर 3, ठीक है। तो अब हमें f now, so equation 2 becomes 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन 3 की पावर। अब ये कैसे आया? क्योंकि देखिए, आपको पता है a की पावर x, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 अप टू a की पावर n, और ये एक्चुअली 3 है, तो मैंने डायरेक्ट 3 पुट कर दिया 120। नाउ व्हाट यू सी, दिस इज बेसिकली अ जीपी, n टर्म्स की जीपी है, तो इसका सम यूज कर लो, r की वैल्यू 3 है, मींस ग्रेटर देन 1 है, तो a r की पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, 3 से बेटा ये 40 टाइम कैंसिल हो गया है, 280 हो गया, और 3 की पावर n बराबर 81 हो जाएगा। कैसे? 2 इंटू 40, 80 प्लस 1, तो कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे जैसे ही, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 की पावर 4 होता है, सो यू गेट n इक्वल टू 4, विच इज आर आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया जब इस क्वेश्चन को, तो n की वैल्यू 4 मिल गई है, मीन्स जो इसने n की वैल्यू ही पूछी थी उसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया है, विच इज n इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो गया है एक टाइप का क्वेश्चन जो मुझे आपको बताना था। अभी दो तीन क्वेश्चन और है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, इसके बाद करूंगा उनको। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 है जो इसी एक्सरसाइज में, ठीक है।
जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो भेजी थी जिसमें अप टू 18 क्वेश्चन थे, आज मैं उन्हीं में से डिस्कस कर रहा हूँ। तो तीन क्वेश्चन मैंने देखे जो थोड़े टिपिकल ज़्यादा थे, तो वही बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। ये क्वेश्चन ये गिवन है, ए माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स ओवर ए माइनस बी एक्स। ये गिवन है वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, शो दैट ए बी सी डी आर इन जी पी। ठीक है बेटा, देखिए गिवन ए प्लस बी एक्स ओवर ये गिवन है। ठीक है बेटा, पहले दो टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर दो नेक्स्ट दो को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी इन फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ रेशियो। ठीक है, तो जब हम पहले दो में अप्लाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर का सम होगा, प्रॉपर्टी में यहाँ लिख रहा हूँ, ए अपॉन बी बराबर अगर सी अपॉन डी होता है तो देन सी एन डी प्रॉपर्टी होती है इस तरह से। समझे आप क्या है, इनका रेशियो इनका रेशियो, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो यही यहाँ यूज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे, ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है ना, क्योंकि ए माइनस माइनस प्लस बराबर बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स ओवर। ठीक है, ऐसे ही इसका इसके साथ भी आएगा, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो डायरेक्ट यूज करूंगा। तो बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो टू ए ओवर टू बी एक्स बराबर यहाँ से आ गया बेटा टू बी। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्योंकि इसके बराबर ही आएगा, तो फिर तीनों इक्वल हो जाएंगे वापस से, क्या हो जाएगा वो टू सी अपॉन टू बी। देखो एक्स तीनों में कॉमन है, टू टू कैंसिल कर दो पहले, तो और x x x भी तीनों से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो क्या बच गया बेटा a अपॉन b बराबर b अपॉन c बराबर c अपॉन d, या रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, रेशियो इक्वल है। So, A, B, C, D, R in GP. Hence proved. अब ये कैसे हुआ GP? Because we have proved that the ratio of any two consecutive numbers is same. Consecutive terms is same. ठीक है? And which is the condition of GP? It means it shows that all four numbers A, B, C, D are in GP. Main क्या था यहाँ पे? C and D property को ध्यान रखना. कंपोनेंडो डिविडेंडो जिसे हम बोलते हैं, ओके तो वो प्रॉपर्टी आप यूज करोगे देन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। अदरवाइज आप सॉल्व इसको करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, मे भी हो सकता है सॉल्व भी ना हो ये कम्प्लीटली। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से सॉल्व कीजिएगा इसे, ओके तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा सॉल्व। अब हम आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, जो है क्वेश्चन नंबर 18, ओके जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैंने 18 क्वेश्चन तक आपको पहले भेजे थे, उसके बाद आगे के क्वेश्चन भेजे थे, तो आज की वीडियो में अप टू क्वेश्चन 18 में करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गए हैं
इसके बाद एक क्वेश्चन और मुझे बताना, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट था। बाकी सारे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं होंगे, क्योंकि मैं हर टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, कोई प्रॉब्लम रहती तो लाइव क्लास रहेगी आपकी, उसमें पूछिए। लाइव क्लास में पूछने से आप ही को फायदा होता है, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन रहता है, तो कोई भी डाउट आउट होगा आप ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकते हो उसे, ठीक है। तो लाइव क्लास में है, कोई प्रॉब्लम रहती है जरूर पूछ लिया। तो अभी लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, 18th क्वेश्चन है जो वो। नेक्स्ट बेटा 18th क्वेश्चन। इफ ए बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी एंड सी एंड डी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q ठीक है बेटा, दो इक्वेशन है ये, वेयर ए बी सी डी फॉर्म जी पी फॉर्म जी पी ठीक है बेटा, ये जी पी को फॉर्म कर रहा है। तो अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट p प्लस q ओवर q प्लस पी ओवर q माइनस पी इज इक्वल टू 17:15 ठीक है बेटा, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। ओके बेटा, देख कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, गिवन ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देयर फॉर सम ऑफ रूट्स मींस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। यहां लिख देते हैं, माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है बेटा, ठीक है। एंड ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, बी, एंड सी प्लस डी हमें मिल जाएगा 12 और सी डी हमें मिल जाएगा, ठीक। नाउ लेट आर बी द कॉमन रेशियो, देयरफॉर बी तो हो जाएगा बेटा ए आर, सी हो जाएगा ए आर स्क्वायर एंड डी हो जाएगा ऐसे, करेक्ट। नाउ अब देखिए, q प्लस पी क्यू अपॉन पी है, तो ना q अपॉन पी बेटा कितना आएगा वो समझो, क्यू ये रहा पी ये रहा, सी डी अपॉन ए बी। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की थी वही फिर से यूज कर रहा हूँ, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी का। क्या हो जाएगा ये q प्लस पी ओवर टू माइनस पी बराबर सी डी प्लस ए बी ओवर सी डी माइनस ए बी, ठीक है। सी और डी इन सबको ए आर आर में रिप्लेस कर, तो सी की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, तो हो गया ए आर स्क्वायर इंटू ए आर टू प्लस ए इंटू ए आर अपॉन यहाँ से ए आर स्क्वायर ए आर क्यू माइनस ए इंटू ए आर। ओके देखिए, ए स्क्वायर और आर कॉमन, क्या बचेगा बताए यहाँ से, ए स्क्वायर और आर कॉमन और फोर प्लस अपॉन यहां से भी यही चीज कॉमन है, तो क्या बचेगा आर फोर माइनस वन, ठीक है। ये टर्म्स आ जाएंगे ना, यहां से हमें क्या करना है, ए प्लस बी है, ये सी प्लस डी है, इनको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें ए और आर की वैल्यूज पता लग जाएगी, ठीक। तो इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना होगा, देखो C प्लस डी, सी की वैल्यू क्या है ना, सी प्लस डी, सी प्लस डी ओवर ए प्लस बी, ये हो जाएगा 12 अपॉन 3 मतलब 4 हो जाएगा,
तो c प्लस बी सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अपॉन ए प्लस ए आर, देखो ए और आर कॉमन आ रहा है, नहीं सर ए आर, ए आर स्क्वायर कॉमन यहाँ से क्या बच गया बेटा, वन प्लस आर, ए से ए कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जो कि फोर के बराबर था, तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू टू मिल गई बेटा, सो प्लस माइनस टू वैसे तो ठीक है, लेकिन क्योंकि आर की वैल्यू जो है, देखो ध्यान से, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम हालांकि लिखेंगे प्लस माइनस टू ही यहाँ पर, क्योंकि दोनों साइन हमें तो दिखाने हैं ना। अब आप आर की वैल्यू बेटा जैसे ही टू, चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, डजेंट मैटर, बिकॉज पावर फोर है तो वो पॉजिटिव ही आंसर देगा, तो टू की पावर फोर सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन अपॉन सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन, देखिए प्रूव हो गया ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन दिस इक्वेशन वी गेट द रिजल्ट विच इज 17 अपॉन 15, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा ठीक है। वो बहुत इजी तरीके से देखिए मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन, जब आप वीडियो देखेंगे डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, फिर जो प्रॉब्लम्स बचती हैं वो आप अब सॉल्व जरूर कर लोगे ठीक है। बाकी नेक्स्ट में मैं और अगर टेक्निकल क्वेश्चन मुझे लगेंगे जो मैंने नेक्स्ट पार्ट में आपको भेज रखे हैं, उसके लिए भी आपको कुछ क्वेश्चन थ्रू वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा ओके। तो ये वर्क रहेगा, थैंक यू।